तो डायपोल मोमेंट म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो होता है कि एक्सेल में जैसे एक कंपाउंड लेते हैं दो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, HCl क्लोरीन और हाइड्रोजन, जिसमें क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्या होगा भाई, ये जो शेयर इलेक्ट्रॉन है जो बीच में होना चाहिए था वो शिफ्टेड होगा किसकी ओर, क्लोरीन की ओर, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इलेक्ट्रॉन को अपने ओर पुल करेगा। पीरियोडिसिटी में क्या पड़े भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है क्या, दैट टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू पुट या फिर टू पुल और अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जिससे इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड होगा क्लोरीन का की ओर। अब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो तो इससे नेगेटिव चार्ज बनेगा, इससे पॉजिटिव, पूरी तरह से नेगेटिव क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि बॉन्ड है अभी, इसलिए पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ये जो डेल्टा का साइन है ये पार्शियल के लिए होता है, ठीक है ना, तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव साइन आता है। तो इन दोनों बॉन्ड के बीच कितना पोलैरिटी है, इस पोलैरिटी को जिससे एक्सप्रेस करते हैं उसे हम बोलते हैं डायपोल मोमेंट, जो क्या होता है क्यू इंटू डी। तो नोट करना दो बातें डायपोल मोमेंट के बारे में, डायपोल मोमेंट के बारे में दो बातें नोट करना, द डिग्री ऑफ पोलैरिटी, द डिग्री ऑफ पोलैरिटी, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डायपोल मोमेंट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। द डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, इन टर्म्स ऑफ डायपोल मोमेंट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। Represented by mu, and mu is equal to q into d. Q यहाँ पर represent कर रहा है चार्ज, जो कि होगा ESU, and d है distance between two nearest atoms. एटम और ग्रुप, ये था डायपोल मोमेंट। अब एक्चुअल में हमको इस फॉर्मूले का यूज नहीं करना है, जो क्वेश्चन होते हैं डायपोल मोमेंट के लॉजिकली होते हैं, आपको बताना है जीरो या नॉट इक्वल टू जीरो, एग्जैक्ट कितना वैल्यू है वे नहीं पूछा जाता, ठीक है ना, उसके लिए आपको फिजिक्स का जरूरत पड़ेगा। तो और भी कुछ डाटा है तो वो फिजिकल फिजिक्स में वो सब होता है, ठीक है, हाई लेवल पे जाओगे तब, या केमिस्ट्री में भी हाईएस्ट स्टडी करोगे तब। आपको बस यहाँ पे बताना है म्यू इक्वल टू जीरो है या नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, मतलब डायपोल मोमेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा आएगा केमिस्ट्री में डायपोल मोमेंट का, डायपोल मोमेंट जो है अगर जीरो होता है और एक बार नॉट इक्वल टू, अगर जीरो हुआ डायपोल मोमेंट, अगर जीरो हुआ तो पहला कंक्लूजन कंपाउंड जो है ओवरऑल कंपाउंड, कंपाउंड इज नॉन पोलार, कैसा होगा वो नॉन पोलार और सिमेट्रिकल। अगर नॉट इक्वल टू जीरो तो कंपाउंड क्या होगा, कंपाउंड इज पोलार एंड एसिमेट्रिकल। तो केमिस्ट्री में क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन डायरेक्टली डायपोल मोमेंट इक्वल टू जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, फर्स्ट सेकेंड विच कंपाउंड इज पोलार और नॉन पोलार, और थर्ड विच कंपाउंड इज सिमेट्रिकल और
एसिमेट्रिकल। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन किससे सॉल्व होगा, डैपलमेंट के कॉन्सेप्ट से। तो इसको नोट कर लो। अब डैपलमेंट कैसे जज करना है वो देखते हैं। तो यूनिट भी नोट कर लो, ESU चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इंटू सेंटीमीटर इंटू 10^-18 इक्वल टू डी बाई डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डायपोल मोमेंट का क्वेश्चन कैसा आएगा, गलती से कभी फॉर्मूले का क्वेश्चन या फिर पहले पूछ सकता है डायपोल मोमेंट डायरेक्टली जीरो है या नहीं, सेकंड पूछ सकता है कंपाउंड सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, या थर्ड पूछ सकता है पोलार है या फिर नॉन पोलार। तो मैंने क्या देखा बताया था भाई, उसके लिए आप बस सिंपल से पिक करना है, अपने आप को सेंट्रल एटम की जगह पे अज्यूम करो और देखो तुमको कौन किधर से पकड़ के खींच रहा है। ये तुम्हारा हाथ इधर से भी एक बॉन्ड है, ये भी तुम्हारा हाथ बॉन्ड है, इधर से कोई एक खींच रहा है इधर से एक। अगर दोनों एलिमेंट एक जैसे हुए मतलब दोनों आदमी खींचने वाले सेम हुए, तो अगर मैं बीच से शिफ्ट होऊंगा क्या बताओ? नहीं सर। नो सर। तो बस ये देखना है, अगर शिफ्टिंग ऑफ सेंट्रल एटम जीरो हुआ, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक है। इफ शिफ्टिंग ऑफ सेंट्रल एटम इज जीरो, ठीक है ना, या फिर सेंट्रल एटम डज नॉट शिफ्टेड, तो उस समय डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो। तो कंपाउंड के लिए उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो कंपाउंड एक टेबलर फॉर्म में कर लेते हैं, स्ट्रक्चर कंपाउंड ले लेते हैं CH4, ठीक है, CH4 CO2 SO2, ये प्रीवियस लेक्चर में हो चुका था, SF4 और कोई कोई से कंपाउंड याद आ रहा है तो बताओ भाई। BCl3 NH3 CCl3 बेटा, ये जो CCl3 ये तो नहीं होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। CCl4 था वो। नहीं सर, CHCl3। अच्छा, क्लोरोफॉर्म, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का यूज जानते हो? हाँ सर, ऑपरेशन के वक्त। ऑपरेशन मतलब बेहोश करने के लिए किया जाता है। पुराने पिक्चरों में बोला भी जाता था क्लोरोफॉर्म को रुमाल में रख के नाक पे रख के आदमी को उठा लिया जाता था, याद आया कुछ ऐसा पिक्चर में क्लोरोफॉर्म का? के लिए सर। सो हाँ बेटा, सर वो एनेस्थेसिया भी यूज करते हैं ना? हाँ, वही तो बेहोश करने के लिए तो एनेस्थेसिया में यूज करते हैं। हाँ, CH4 का स्ट्रक्चर कैसा है भाई? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मतलब छोटा सा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ भाई, समझ में आ जाना चाहिए। एक मॉलिक्यूल ज्यादा ले लिया। CO2 का स्ट्रक्चर कैसा है? लीनियर, इधर कार्बन एंड इधर ऑक्सीजन। ये कैसा है? वी शेप्ड बेंच शेप्ड। अब स्ट्रक्चर कैसा आ रहा है, इसके लिए केमिकल बॉन्डिंग में हमने बहुत सारे ट्रिक बताए हैं VSEPR में, और प्रैक्टिस भी अच्छे से करवाए हैं, करवाया ना भाई? हाँ सर। SF4 में पीस ऑफ अगर वो वाला पार्ट कंप्लीट नहीं हो पाया तो आगे सॉल्व नहीं होगा। BCl3 ट्राइगोनल प्लेनर, TP कर लेते हैं शॉर्ट में। अमोनिया में पायरामिडल, इसके लिए जगह नहीं लेता, ठीक है, बाद में लिखते हैं इसको। अब म्यू बताना है, इक्वल टू जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे पोलार और नॉन पोलार। पोलार
समझता नहीं, यहाँ पे जगह कम पड़ता है। तो PH4 का अगर 3D इमेज देखा जाए तो बीच में कार्बन, चारों तरफ हाइड्रोजन, इस स्ट्रक्चर को ये पायरामिथेप्टाहाइड्रल, इस स्ट्रक्चर को ऐसे थोड़ा तो उठा लो, क्या होगा इससे, ये दो ऊपर की ओर दिखेंगे, दो पीछे की ओर दिखेंगे, दिख रहा है सभी को? ये एक्सेल में स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल ऐसा होता है, दो कार्बन हाइड्रोजन ऊपर की ओर है, दो हाइड्रोजन पीछे की ओर। इसका कहने का मतलब है, यह लाइन का बताया था, ये दोनों ऊपर की ओर है तो एक सामने की ओर ये वाला और ये पीछे की ओर। तो मुझे बताओ यहाँ पे भी सेम ताकत वाले लोग हैं, एक जैसे फोर्स वाले लोग हैं यहाँ पे, तो ये दो लोग ऊपर खींच रहे हैं, दो लोग नीचे खींच रहे हैं, तो सेंट्रल एटम अपने जगह से हिल पाएगा क्या? नहीं। मतलब म्यू क्या होगा वहां पे? इक्वल टू जीरो। और कंपाउंड कैसा होगा? नॉन पोलर। अब इसमें पुल करने का काम कौन करता है? डायपोल मोमेंट के क्वेश्चन में पोलैरिटी जब भी देखना है तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां की ओर पुल होगा? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव से किसकी ओर? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन पुल करने का काम कौन करेगा? कार्बन या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन पुल करने का काम कौन करेगा? ऑक्सीजन। और इस साइड भी इलेक्ट्रॉन पुल करने का काम करेगा ऑक्सीजन। मतलब यहाँ पे कार्बन बीच में है, हाँ, कार्बन को इधर से पुल कर रहे हैं, कोई इधर से, दोनों एक जैसे लोग हैं, इधर भी ऑक्सीजन इधर भी ऑक्सीजन, तब क्या होगा? न्यू इक्वल टू जीरो, मतलब नॉन पोलर। ठीक है। थर्ड, यहां पे पुल करने का काम कौन करेगा? ये सल्फर है, ठीक है ना? सल्फर में ये है लोन पेयर, तो क्या होगा? इधर ऑक्सीजन पुल कर रहा है, इधर ऑक्सीजन पुल कर रहा है, तब क्या होगा बताओ? म्यू इक्वल टू जीरो कि नॉट इक्वल टू जीरो? भैया तुम यहाँ पे हो, नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा डायग्राम बना बना के पिछले क्लास में समझाने का ट्राई कर रहे थे भाई। तुम्हारे दोनों टांग में रस्सी बांध दिए, नीचे खींच रहे हैं, इधर से रस्सी बांध के नीचे खींच रहे हैं, तो तुम ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे या कहीं नहीं जाओगे? नीचे। तो बस मतलब अपनी जगह से शिफ्ट हुए, मतलब म्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये कैसा हुआ? पोलार। ये सीसॉ स्ट्रक्चर कैसा होता है? सीसॉ स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है ना? ये सीसॉ स्ट्रक्चर है ना? तो सीसॉ स्ट्रक्चर में देखो, इधर फ्लोरीन की तरह, इधर भी फ्लोरीन की तरह, तो इधर और इधर का रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गया, बट ये नीचे वाले दो, तो क्या होगा भाई बताओ? मे इक्वल टू जीरो या नॉट इक्वल टू जीरो? नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो। सिंपल सा भी है, फिर तो वाला डायग्राम बना लेते हैं, और सिंदा डायग्राम बन गया करके। तो इधर से कोई एक रस्सी बांध के खींच रहा है, एक हाथ में कोई इधर से खींच रहा है, तो अपने जगह से शिफ्ट होगा क्या? नहीं नहीं होगा, लेकिन वही यहाँ पे रस्सी बांध के नीचे खींच दे पांव को, पांव पर खींच रहा है, मतलब इधर फ्लोरिन, इधर फ्लोरिन, इधर फ्लोरिन, और ये हमारा सेंट्रल एटम, तो नीचे शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। तो बस, तो डायपोल मोमेंट क्या हो गया आपके? नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये भी बोन संपर्क कैसा होगा? पोलार। अब इसमें देखो शिफ्टिंग किस ओर है, दिखाना पड़ता है भाई, ठीक है ना? तो अच्छा लगता दिखाने में, तो तुम्हारे सब्जेक्ट में मार्क्स, मतलब इस क्वेश्चन पे मार्क्स मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलता। तो डेवलपमेंट हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर एरो बनना चाहिए। इसमें बताओ क्लोरीन खींच रहा है बोरॉन से, और सभी का डायरेक्शन इक्वल है, तब क्या होगा भाई? इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो।
ये दोनों का फोर्स इसके इक्वल होगा, ये इसका फोर्स इन दोनों के इक्वल होगा, इसका फोर्स इन दोनों के इक्वल होगा, मतलब डायपोल मोमेंट इक्वल टू जीरो, मतलब कंपाउंड कैसा होगा, नॉन पोलर। थर्ड वाला बताओ, ऊपर में यहाँ पे लोन पर ये थोड़ा स्पेशल भी है, नॉट इक्वल टू जीरो तो होगा, बट कुछ एक क्वेश्चन के साथ इसका कंपेरिजन होता है लोन पे है। तो यार इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, कौन पुल करेगा बताओ, नाइट्रोजन। वेरी गुड, ये याद रखना ठीक है ना, आगे एक क्वेश्चन कंपेरिजन वाला आएगा इससे, और यहाँ पे नाइट्रोजन। और याद रखना अगर एटम और लोन पेयर में बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन कौन पुल करेगा, लोन पेयर की ओर जाएगा, ठीक है ना, बोलते हैं ना पैसा पैसा को खींचता है, वैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को खींचता है, सुना ना भाई। तो एटम और लोन पेयर में बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन किसकी ओर पुल होगा, लोन पेयर की तरफ। तो ओवरऑल फोर्स कहाँ लग रहा है भाई, ऊपर की ओर। ओवरऑल फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर की ओर, मतलब यहाँ पे भी डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये क्या होगा भाई, पोलर। ये भी कैसा होगा, पोलर। किसके साथ कंपेरिजन होता है इस क्वेश्चन का, NH3। तुम्हारे NCERT टेक्स्ट बुक का है, बोथ आर पैरामीडल बट NH3 इज लीस्ट पोलर एज कंपेयर टू NH3। क्वेश्चन क्या पूछेगा, बोथ आर पैरामीडल ज्योमेट्री, बोथ आर बोथ कंपाउंड कोज पैरामीडल ज्योमेट्री बट द डायपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन सॉरी लेस देन NH3, व्हाई, एक्सप्लेन विद सुटेबल रीजन। तो पहले ये नोट करो, देन उसको क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, नोट कर काउंट। चलो नेक्स्ट नोट करना, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, द डायपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन NH3, the dipole moment of NH3 is greater than NH3, क्यों है भाई, एकदम शॉर्ट में लिखवा दिया गया क्वेश्चन, ठीक है, नोट करवा दिया गया, the dipole moment of NH3 is greater than NH3, तो रीजन क्या है भाई, इसका आंसर क्या दोगे, स्ट्रक्चर पहले बनाओगे, स्ट्रक्चर ऑफ NH3and structure of NH3। तो दोनों का स्ट्रक्चर सेम है भाई, पायरामीटर, फिर भी डायपोल मोमेंट है अलग अलग, और यहाँ पे क्या है, लोन पेयर, सेम यहाँ पे भी क्या है, लोन पेयर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पुल करने का काम कौन कर रहा है बताओ, NH3 में क्लोरीन, पहले मैं NH3 बोल रहा हूँ, नाइट्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन से और नाइट्रोजन से किसकी ओर इलेक्ट्रॉन जाएगा, लोन पेयर के साइड, इसके लिए बताया था यार रखना पैसा पैसे को खींचता, मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा इधर, ठीक है ना, लोन पेयर चार्ज डेंसिटी इधर ज्यादा है, एक्चुअल में यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए चार्ज के लिए ये मेन फैक्टर होगा। अब देखो पूरा का पूरा रिजल्टेंट फोर्स कहाँ लग रहा है, बताओ जल्दी, तब तक इधर का हम सॉल्व करते हैं, ऊपर लग रहा, यूनि डायरेक्शन बोल सकते, ऊपर की ओर लग रहा है, एक मतलब यूनि डायरेक्शन है, ठीक है ना, पूरा रिजल्टेंट फोर्स क्या है, यूनि डायरेक्शन, और यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स कितने में है, डायरेक्शन में, फर्स्ट टर्म में जो रिजल्टेंट फोर्स है रिजल्टेंट फोर्स इज यूनिट डायरेक्शन,
रिजल्टेंट फोर्स क्या है, यूनिट डायरेक्शन। बट यहाँ पे क्या है, एक फोर्स ऊपर लग रहा है, ये तीन फोर्स नीचे लग रहा है। वेयर रिजल्टेंट फोर्स इज बाई डायरेक्शन। अब बाई डायरेक्शन के साथ क्या क्या है बता सकते हो कोई मुझे? बाई डायरेक्शन एंड अपोजिट टू ईच अदर। तो यहां पे यूनि डायरेक्शन है और यहां पे अपोजिट टू ईच अदर, तो क्या होगा? हैंस डायपोल मोमेंट इज वेरी हाई टू NF3। क्लियर है? तो क्वेश्चन बनाते समय क्या करोगे, पहले स्ट्रक्चर दोगे, टू मार्क्स का क्वेश्चन है, उससे ज्यादा नहीं। स्ट्रक्चर भी बताओगे, इन NF3 द रिजल्टेंट फोर्स इज यूनिडायरेक्शन, हैंस द डायपोल एंड बट करना वहां पे, बट द रिजल्टेंट फोर्स इज बाई डायरेक्शन इसमें इन NF3 एंड ओवरऑल द डेवलपमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन NF3। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। सेकेंड क्वेश्चन आपका टेक्स्ट बुक में मिलेगा, SO2 एंड CO2 बोथ मॉलिक्यूल्स आर ट्राई एटॉमिक। एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिलेगा, SO2 एंड CO2 बोथ मॉलिक्यूल्स आर ट्राई एटॉमिक बट डायपोल मोमेंट ऑफ SO2 नॉट इक्वल टू जीरो एंड CO2 इक्वल टू जीरो। तो ये तो सॉल्व हो जाएगा भाई, यहीं पे बना हुआ है सर, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। हाँ, CO2 स्ट्रक्चर बोलोगे यहाँ पे, ठीक है ना? CO2 कॉस लीनियर स्ट्रक्चर, और बोल सकते हो सिमेट्रिकल, ठीक है ना? सिमेट्रिकल मत बोलना, लीनियर स्ट्रक्चर एंड SO2 कॉस या फिर फॉर्म बी शेप्ड स्ट्रक्चर। तो बन जाएगा ये NCERT टेक्स्टबुक का क्वेश्चन है। क्लियर है? नोट कर लो इसको, ठीक है? फिर आज की सेवा करते हैं समाप्त। किसी को कोई दुख दर्द कोनो तकलीफ है बेटा? किसी को कोई दुख दर्द कोनो तकलीफ कोनो दिक्कत? ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।